9 बजे तक, कल रात का 9 बजे तक पूरे उवारसद गांव का जो कुछ यूपी का हो बिहार का हो पूरे गांव खाली करके चले जाओ, प्रेम से कहने आए हैं। क्योंकि मेरी बेटी है 14 मास की, 14 साल की हो तो चलेगी, कल सुबह जैसी आपकी ट्रेन आए अब चले जाओ उवारसद गांव छोड़ के। कोई यूपी के बिहार के कोई लोग मेरे गांव में नहीं चाहिए। गांधी की जमीन पर अब ऐसे वीडियो तैर रहे हैं, सरेआम धमकी दी जा रही है। गैर गुजरातियों, यूपी और बिहार के लोगों को 12 घंटे में गुजरात छोड़ने को कहा जा रहा है। इसका असर भी दिख रहा है। गुजरात के शहर शहर से यूपी और बिहार के लोग बोरिया बिस्तर समेटने में लगे हैं। क्या बस स्टेशन, क्या रेलवे स्टेशन, हर तरफ गुजरात छोड़ने वालों की भीड़ है। रोजी रोटी की तलाश में आए लोग जान बचाने के लिए बसों और ट्रेनों में सवार हो रहे हैं। अब इधर यूपी बिहार वाले को भगा रहा है, सब बाहर वाले को भगा रहा है, मार पीट रहा है, हमको अपना जान बचा के भागना पड़ रहा है यूपी। मेरे को बोले उत्तर भारतीय तो इतना बोला है खाली, मैंने आना कुछ भी नहीं बोला, इतने में तोड़फोड़ चालू कर दी, मेरे को मारा भी, परीक्षा भी तोड़ी। ऐसा बोल रहे थे कि आप यहाँ से चले जाओ नहीं मारे जाओगे, ऐसा बोल रहे थे। वो मानस भगा रहा है, तो जाना तो पड़े, बच्चे छोटे छोटे मर जाएंगे तो कौन पालेगा ये बच्चे को। सबसे ज्यादा पलायन उस जिले से हो रहा है जहां 14 महीने की बच्ची से दरिंदगी हुई। दरिंदगी का आरोप उत्तर भारतीय पर लगा और फिर साबरकांठा, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद और अरावली में लोगों का गुस्सा उत्तर भारतीयों पर भड़क उठा। पीड़ित बच्ची ठाकुर समाज की थी, इसलिए सबसे ज्यादा हिंसा उसी इलाके में हुई जहां इस समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है। अपने समाज के साथ दिखने की ललक में नेताओं ने भी आग में जमकर घी डाला। कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर पर भी मैदान में कूदने का आरोप लगा। गुजरात में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में ले तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। एक आदमी ने बलात्कार किया, उसकी सजा उसके प्रांत के लोगों को, उसके समाज के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस इसका पूरी तरह से निंदा करती है। पलायन पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की और गुजराती संस्कृति का हवाला दिया। छेला 48 कलाक थी पुलिस ना सघन पेट्रोलिंग अने प्रयत्नों थी परिस्थिति संपूर्ण कंट्रोल में छे, कोई अनिच्छीय बनाव पण बन्या नथी। गुजरात से पलायन के बीच सियासत भी चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस इस आग में जमकर सियासी रोटी सेक रही हैं, वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद उत्तर भारत से सांसद हैं, खुद को वाराणसी का बेटा बताते हैं। ऐसे में क्या एक घटना के लिए उत्तर भारतीय गुजरात मॉडल से बाहर हो गए? क्या किसी घटना विशेष के लिए लाखों लोगों को टारगेट करना सही है? उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।